सो हेलो ऑल ऑफ यू, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जेई एडवांस 2022 का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें कौन कौन से बच्चे जेई एडवांस का 2022 का एग्जाम दे सकते हैं। ये आपके माइंड में पहले से ही क्लियर होना चाहिए। जो भी पांच इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखे हैं उन पांचों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे मैं बात करूंगा, लेकिन ये पार्ट वन है वीडियो का। पार्ट वन में मैं उन बच्चों के लिए बात करूंगा जो जेई एडवांस 2020 जो बोर्ड 2021 और 2022 में पास करने वाले हैं, 2021 में पास किए, जो 2020 में पास किए हैं उनका बहुत सारा कंडीशन है, वो मैं किसी इसके बाद वाले वीडियो में समझा दूंगा। तो ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है, ठीक है। सबसे पहला कंडीशन ये है कि आपको टॉप के 2.5 लाख बच्चों में आना पड़ेगा। जी हाँ, आपको जेई एडवांस के टॉप के 2.5 लाख बच्चों में आना पड़ेगा, जिसमें इन्होंने रिजर्वेशन बता रखा है पहले से ही, जो कि हमें पहले भी पता है 10% EWS, 27% OBC, SC, 15%, 7.5% ST और जो बाकी के 40.5% बच्चे उसमें ओपन, यानी कोई भी प्योर जनरल से लेके बाकी कोई भी इसमें आ सकता है, और इन सभी में 5% सीट जो है वो PWD कैंडिडेट्स के लिए जाएगी, यानी आपको टॉप के 2.5 लाख में आना है जेई एडवांस देने के लिए। दूसरा इन्होंने कंडीशन ये रखा है कि आपका डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1997 के बाद होना चाहिए। फॉर एससी एंड एसटी और पीडब्ल्यूडी 1992 के बाद भी अगर उनका डेट ऑफ बर्थ है तो वो एलिजिबल है, लेकिन सिर्फ डेट ऑफ बर्थ मत देखो, इसमें और भी कंडीशन होते हैं आपको पता ही है, जो कि तीसरा पॉइंट है। इन्होंने लिखा है कि आपको जो है वो मैक्सिमम ऑफ 2 अटेम्प्ट इन 2 कंजीक्यूटिव ईयर, मैक्सिमम ऑफ 2 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट नहीं, ज्यादा से ज्यादा 2 अटेम्प्ट दे सकते हैं, वो भी कंजीक्यूटिव ईयर, यानी अगर आपने 2021 में 12 पास किया तो आप 21 में दे सकते हो, 22 में दे सकते हो, 22 में पास किया तो 22 में तो दे ही सकते हो और 23 में तो दे ही सकते हो, मतलब कंजीक्यूटिव ईयर होने चाहिए और मैक्सिमम ऑफ 2 अटेम्प्ट, आप एक ही दो, आप दो ही दो, लेकिन ऐसा आपको नहीं सोचना है कि मुझे तो 2 अटेम्प्ट मिलेंगे, अगर मैंने 21 में नहीं दिया हुआ है तो मैं 22 में भी दूंगा, मैं 23 में भी दूंगा, जो बिल्कुल ही गलत, कोई सोचेंगे कि मैं 22 में नहीं दिया हूं मैं 23 में दे दूंगा, 24 में दे दूंगा, नहीं, 2 कंजीक्यूटिव ईयर, जिसमें से एक ईयर आपका अपियरिंग में काउंट हो चुका है और एक उसके बाद वाला ईयर, मैक्सिमम ऑफ 2 है, यानी आप एक दो या दो दो, लेकिन उसी 2 साल के बीच में आपको देना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये कवर हो गया। चौथा पॉइंट ये है कि ऑब्वियसली है, ये तो अंडरस्टूड है कि आपको जो भी बोर्ड के एग्जाम देंगे उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और 2020 के लिए बहुत सारा पॉइंट है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद आप में से कई बच्चे होंगे, ऐसा भी कोई भी बच्चा होता है जो लास्ट ईयर IIT में सीट लेके काउंसलिंग भी करवा लिया, रिपोर्टिंग भी कर दिया और फिर उसकी सीट कैंसिल हो गई, किसी भी कारण से उसने छोड़ दिया, उसका तबीयत खराब हो गया, कॉलेज ने निकाल दिया, वो नॉट मैटर, अगर उसने IIT में सीट छोड़ी है तो उसको जेई एडवांस नहीं दे सकता है, वही दे सकता है जेई एडवांस जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग में गया ना हो या फिर वो खुद ही विथड्रॉ हो गया हो जोसा काउंसलिंग में, वो एलिजिबल है, लेकिन जिन्हें IIT से निकाल दिया गया है या वो किसी भी कारण से हट चुके हैं 2021 वाले, वो 2022 में जेई एडवांस नहीं दे सकते, वो जाके अपना किसी प्राइवेट कॉलेज में आप जा सकते हैं। तो यही सारे पॉइंट्स थे जो 2022 में और 2021 में पास किए हैं। अब मैं 2020 के बारे में अब इसके बाद वाला वीडियो बनाता हूँ। वीडियो पसंद है लाइक करो, नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब करो। सो थैंक यू। और ऑफर अभी चल रहा है, 33% तक ऑफ आपको मिल सकता है और अभी एडिशनल मंथ का सब्सक्रिप्शन भी मिल सकता है, 1 मंथ एक्सटेंशन। जी हाँ, और मेरा कूपन कोड इस्तेमाल करोगे तो आपको इतना ऑफ हो जाएगा, AMIT SIGH, ठीक है। तो 3 महीने के लेने पे 1 महीने का फ्री मिल जाएगा, 12 महीने का लोगे तो 3 महीने तक का एक्सटेंशन आपको मिल जाएगा। तो जरूर जाओ और खरीद लो। उसके बाद अन एकेडमी प्रोडिजी है, यहां पर आप 27 फरवरी को 7, 8, 9, 10 से लेकर 11, 12 के बच्चे मेरा कूपन कोड डाल के यहाँ पे फ्री में इनरोल हो जा सकते हो, और इनरोल होने के बाद आप दे सकते हो, और अगर दे के अच्छी रैंक आ गई आपकी तो आपको इस 100% तक स्कॉलरशिप मिलेगा। रैंक के अनुसार स्कॉलरशिप है, अमेजोन वाउचर, एप्पल आईपैड, मैकबुक एयर, एप्पल आईफोन, तो ये सारी चीज़ आपको मिलेंगे। तो जरूर जाओ, मेरा कूपन कोड डालो और इनरोल हो जाओ।